वेलकम टू साई बाबा ऑटो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। आज मेरे पास वैगनर है 2009 का मॉडल, और कस्टमर का गाड़ी रनिंग में बंद हो गया और उसको वेरीफाई किया मैंने तो उसका जो इमोबिलाइजर का लाइट है वो ब्लिंक हो रहा था। तो फ्रेंड्स, अभी इसको हम डायग्नोस करेंगे, वेरीफाई करके देखेंगे कि इसका प्रॉब्लम किधर है। तो ये रनिंग गाड़ी बंद हुआ था, अभी हम उसको वेरीफाई करके इसका प्रॉब्लम किधर है डायग्नोस करके देखेंगे क्या इसका इशू किधर है। तो फ्रेंड्स, इसमें मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, इसमें कोई प्रोग्रामिंग का मसला नहीं है। आप देख सकते हो इसका टेम्परेचर का काटा हाई जा रहा है, हाई जाने का रीज़न उसका ग्राउंड नहीं आ रहा है। ग्राउंड नहीं आने के कारण से वो इमोबिलाइजर का लाइट ब्लिंक हो रहा है। तो मैं इसको स्कैन किया था, स्कैनिंग में नो ट्रबल कोड आता है, और मैं जैसा स्कैनर का कनेक्टर लगाऊंगा तो ये काटा अपने लेवल पर आता है। मैं आपको बताता हूँ, ये मेरे पास स्कैनर का कनेक्टर है, अब ये मैं जैसे लगाऊंगा इसको बाईपास अर्थिंग मिलेगा कैन लाइन के थ्रू। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये लगाया इसको। तो फ्रेंड्स देखिए, आपने मैंने जैसा कनेक्टर लगाया ये टेम्परेचर काटा नॉर्मल हो गया। और मैं आपको बताता हूँ, ऑफिस ये चाबी मैंने बंद किया और चाबी मैं लगाऊंगा तो लाइट स्टेबल हो जाती है। तो फ्रेंड्स, जो मैं आपको बताया कनेक्टर लगा के लाइट स्टेबल हो जाता है, और जैसे ही मैं ये कनेक्टर निकाल दूंगा मेरे स्कैनर का तो ये ऑटोमेटिकली ब्लिंक होना चालू होगा। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये मेरा स्कैनर का कनेक्टर है जो लगाया हूँ, ये मैं निकालता यहाँ से, और आप देख रहे हो टेम्परेचर का काटा हाई हो गया। अभी मैं जैसे ही चाबी बंद किया और चालू करता हूँ तो ये लाइट ब्लिंक होना चालू हो जाता है। तो अभी इधर मेरे को क्लियर मालूम पड़ेगा कि इसका ग्राउंड का प्रॉब्लम है। अभी मैं इसको ग्राउंड को वेरीफाई करूँगा और इसके जिधर जिधर ग्राउंड आते वो मैं डायग्नोस करूँगा। तो फ्रेंड्स, मैं इंजन कंपार्टमेंट में आऊँ तो मैंने पहले बैटरी का ग्राउंड देखा, यहाँ से बॉडी में लगा है, ये ग्राउंड नीचे लगा है बराबर। मैं आपको बता देता हूँ, ये ग्राउंड लगेगा इधर। तो फ्रेंड्स, ये इंजन और बॉडी ग्राउंड तो हो गया, अभी जो सेंसर और ईसीएम को वायर जाता है वो हमारे इंजन के पीछे लगता है, वो मैं आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं अंदर आया हूँ और मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो ग्राउंड वायर है ये टूट गया है। ये ग्राउंड टूटा किधर से, ये देखो उसका ये बॉडी अर्थिंग दिया, ये पूरा उतर के इस पर ग्राउंड दिया है। ये आपका इंजेक्टर के लिए वायर जाता है, ईसीएम के लिए ग्राउंड जाता है, इमोबिलाइजर के लिए जाता है। तो ये एक ग्राउंड टूटने के कारण से ये आपको प्रॉब्लम हो गया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैं इसको एक ग्राउंड लगाता हूँ और आपको मैं ऊपर दिखाता हूँ ये मेरा काम सक्सेस हुआ कि नहीं। ये मैंने एक टेम्परेरी लगा दिया हूँ दिखाने के लिए आपको, अभी मैं ऊपर लेके आता आपको और क्लस्टर मीटर में शो करता हूँ, इग्निशन ऑन करता हूँ। आप देख रहे हैं मेरा टेम्परेचर भी बराबर हो गया है और मेरा जो इमोबिलाइजर है वो भी साइलेंट हो गया है। तो अभी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ गाड़ी। तो फ्रेंड, मैं अभी क्रैंक करता हूँ तो आप देख रहे हैं मेरा गाड़ी स्टार्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। आने वाले टाइम पे मैं इससे अच्छे वीडियो अपलोड करूँगा। थैंक यू फ्रेंड।